नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस कोर्स में, जिसका नाम है कि किस तरीके से आप अपना खुद का चाप का काउंटर ओपन कर सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में, वो भी बिना किसी की मदद लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से जो चाप की जो चटनी होती है वो कैसे बनाई जाती है। अब आपको मज़ा आने वाला और पूरे आपके पैसे वसूल होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि जो चाप के अंदर जो चटनी बनाई जाती है उसकी क्या रेसिपी होती है। तो दोस्तों, आज ये सीक्रेट रेसिपी आप सभी लोगों के लिए मैं रिवील करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आइटम डलेगी, इसमें पड़ेगा धनिया। ठीक है, धनिया के जो ये जो डंठल है ये हमने पीछे का हिस्सा काट के इसका साइड कर दिया, फेंक दिया है। इसके अंदर पड़ेगा लगभग करीब आधा किलो धनिया और एक पाव पुदीना पड़ेगा इसके अंदर 250 ग्राम के आसपास, और लगभग करीब 100 ग्राम के आसपास इसमें पड़ेगा अदरक, और 100 ग्राम के आसपास करीब इसके अंदर पड़ेगा लहसुन, और इसके अंदर जाएगा हमारा ये करीब 100 से 125 ग्राम के आसपास, 125 ग्राम के आसपास ये है हमारी हरी मिर्च। ठीक है, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और दोस्तों ये जो छठी आइटम है इसमें डलेगा अनारदाना। ये आपको मार्केट से परचून की दुकान से ये आपको मिल जाएगा अनारदाना। ये जो अनार के दाने होते हैं ये इसकी पैकिंग के अंदर ये आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अनारदाना लगभग करीब 50 ग्राम के आसपास अनारदाना पड़ेगा, और ये सारी आइटम डल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाकर कर लेंगे रेडी, और उसके बाद इसके अंदर पड़ेंगे मसाले। तो दोस्तों, अब आपको ये सारी जो अदरक है, ये लहसुन है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कटिंग करके रख लेना इस तरीके से। ठीक है, ये छोटा छोटा, ताकि जो मिक्सी में जब आप इसको पीसोगे तो मिक्सी के अंदर आराम से पीस जाए, इसलिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। धनिया पत्ता, पुदीना, जो आधा किलो धनिया पत्ता था इसमें, 250 ग्राम पुदीना था, 100 ग्राम अदरक थी, 100 ग्राम लहसुन था, 125 ग्राम के आसपास हरी मिर्ची थी, और ये 50 ग्राम के आसपास इसमें हम अनारदाना डाल देंगे, और इन सबको डाल के हम धो लेंगे। इस बाल्टी के अंदर अब हम डाल के इसके अंदर हम 50 ग्राम के आसपास, लगभग करीब 50 ग्राम के आसपास इसमें हमने अनारदाना डाल दिया है, और ये सारी आइटम डाल के अब हम इसको वॉश कर लेंगे, और वॉश करके अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो चलिए हम इसको एक बारी वॉश कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं वॉश। ये जो है ये हमारा जो है, हम इसको 1 से 2 बारी, ठीक है, 1 से 2 बारी, अगर आपकी सब्जी साफ़ है तो आपका एक बारी में भी काम चल जाएगा। जब जो आपका वेजिटेबल का वेंडर है अगर आपको साफ़ सुथरी सब्जी देता है, ठीक है, तो लगभग एक बारी में भी आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको 1 से 2 बारी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब हम चलेंगे सीधा पेस्ट बनाने की तरफ। तो दोस्तों, जो हमने अपनी जो चटनी बनाने के लिए जो सारी आइटम जो हमने धोने के लिए डाली थी, ठीक है, अब हम उससे पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हम डालेंगे अपने जार के अंदर, और इस जार के अंदर डाल के अब हम बनाएंगे पेस्ट। इसके अंदर जो कि मैंने आपको बताया था 6 आइटम पड़ी हुई है, धनिया पत्ता, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और अनारदाना, ये 6 की 6 आइटम को डाल के हमने वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब हम इसको पीसेंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये पानी हम डाल के ताकि इसकी जो कंसिस्ट जो आराम से हम इसको पीस सके। ठीक है, अब इसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाल लिया है और इसको पीसेंगे। हमारा जो पेस्ट है, जो हमारा जो चटनी का जो पेस्ट है, ये एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे अपने पतीले में, और इस पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो पेस्ट है, ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट से कैसे चटनी बनाएंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या आइटम इसके अंदर, दही और कौन कौन से मसाले इसके अंदर डलने बाकी है, और हमारा जो फाइनल जो हमारी चटनी है वो इस पेस्ट की मदद से रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अब आगे, जो हमारे जो दही और बाकी मसाले डलने हैं वो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ, कितना कितना क्या क्या डलना है। तो क्या क्या आइटम अब डलने वाली है इस चटनी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये दही 3 किलो दही की मैं अभी चटनी बना रहा हूँ, 3 किलो दही की। ठीक है, 3 किलो दही की हम बना रहे हैं अभी चटनी। ठीक है, इसमें हम ये दही खोल के
इसका सारा जो दही है वो निकाल लेंगे। तो जो हमने पेस्ट बनाया था, जो आपको मैंने सिखाया था पेस्ट बनाना, वो पेस्ट हमारा बनकर ये रेडी है। ठीक है, अब ये सारे पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, अभी मैं सिर्फ 3 किलो की बना रहा हूँ। तो 3 किलो के अंदर अब हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे, ये हमारे जो हमने पेस्ट बनाया था, 1 चम्मच 2 चम्मच और 3 चम्मच, ये गया 3 चम्मच। ठीक है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे हम मसाले, ये है गरम मसाला, ये डालेंगे हम 1 चम्मच, ये करीब 1 चम्मच ये, और ये हम डालेंगे करीब 1 चम्मच लाल मिर्च, और ये किचन किंग और मीट मसाला, ये दोनों डब्बे इक्वल रेशो में हमने मिक्स करके इसके अंदर रखे हुए हैं। जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है दोनों का इकट्ठे इस्तेमाल हो जाता है बराबर रेशो में। तो किचन किंग और मीट मसाला दोनों के पैकिंग फाड़ के ये जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच, ये 2 चम्मच जाएगा 3 किलो दही के अंदर। अब आती है बात अजीनोमोटो की। ठीक है, तो अजीनोमोटो पड़ेगा इसके अंदर 1 चम्मच, और नमक जो जाएगा इसके अंदर लगभग करीब 2-3, ये लगभग करीब 3 चम्मच, बाकी आप स्वाद अनुसार बाकी आप उसके अंदर नमक डाल सकते हैं। और ये हल्का सा जो है ये ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा, ताकि एक इसको कलर मिल जाए। अब इस सारी आइटम को हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमारे पास ब्लेंडर भी है। ठीक है, इस ब्लेंडर का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस ब्लेंडर का जो हम है इसको मिक्स करने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ये ब्लेंडर की मदद से, ठीक है, ब्लेंडर की मदद से हम इस चटनी को घोल लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी चटनी है ये मिक्स हो चुकी है, बस इसको इतना ही मिक्स करना होता है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना होता, नहीं तो ये बहुत पतली हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम करछी की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा ये सारा जो मटेरियल है, जितने मसाले ये सब हमने डाला है, ये सब इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो करछी की मदद से कर लेना, बहुत ज़्यादा देर इसको ब्लेंडर से नहीं मिक्स करना है, अदरवाइज आपकी चटनी बिल्कुल पतली हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप करछी की मदद से भी बहुत स्पीड से उसको करछी को चला के भी, ठीक है, आप इसको रेडी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं हल्का सा मिक्सिंग करने का, उसके बाद इसको करछी से, ताकि इसको जो थिकनेस है, जो चटनी की जो थिकनेस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब हम इसको जरा चेक करके देखते हैं कि जो हमारी चटनी जो बनी है, इस चटनी का जो टेस्ट है वो कैसा है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अल्टीमेट चटनी बनी है, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस चटनी को बनाएंगे और कस्टमर को खिलाएंगे तो कस्टमर सिर्फ एक ही बात बोलेगा, अरे वाह। तो ये थी हमारी रेसिपी चटनी बनाने की, एक जो सीक्रेट रेसिपी जो हर एक आदमी जानना चाहता है। ठीक है, आप इसमें नमक और मिर्च और मसाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि किसी चीज़ की कोई कमी है तो आप ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।